अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मलाई बोटी बनाने के लिए चिकन लेग पीस लेकर उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लें और फिर उनके बीच में कट लगा के साइड पर रख दें। और फिर इसके बाद मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने बाउल में हाफ कप दही, हाफ कप क्रीम, 1 टेबलस्पून सब्ज चटनी, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड पाउडर यानी टार्टरिक, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड और वेजिटेबल ऑयल। और 1 टीस्पून वाइट पेपर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस सब के दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसमें मैंने हाफ कप चीज़ भी शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर उसके बाद आप लोग अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लें और जो चिकन लेग पीसेस साइड पे रखे थे उनको इस मिक्सचर में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना कि सारा मसाला इसमें रच बस जाए। मिक्स करते दौरान जो इसकी खुशबू आ रही थी वो बहुत ही कमाल की थी और एंड पे जो मलाई बोटी का टेक्स्चर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 24 घंटे यानी एक पूरा दिन, उसके बाद ही इसको बनाया जाएगा। मलाई बोटी की ख़ास बात यह है कि इसको दही और क्रीम में अच्छे से डिप करके रखें ताकि जो इसका जायका है वो बोटी के अंदर तक जाए और इसमें सॉफ्टनेस आए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए एक पूरा दिन, इतना कि जो इसकी क्रीमीनेस है वो बोटी के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाए। एक पूरा दिन हो चुका था मैरिनेट हुए मलाई बोटी को। इसके बाद तमाम चिकन लेग पीसेस को एक कढ़ाई में रख दिया। आप लोग हमारी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसमें आधा कप पानी का शामिल कर दिया। फिर उसके बाद इसको 20 से 30 मिनट के लिए गलने दिया। बीस से 30 मिनट के अंदर चिकन लेग पीसेस गल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने मलाई बोटी को दो तरीकों से आग पर सेका, एक स्टोव पे रख कर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और दूसरा सेक के ज़रिए। आप लोगों को जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मलाई बोटी बनकर तैयार है। मैं तमाम घर वालों को इस रेसिपी से बनाई गई मलाई बोटी बहुत पसंद आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। क्योंकि मैं एक दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो इसीलिए रिव्यूज़ भी आपको बता दूँ कि मेरे घर वालों के रिव्यूज़ क्या थे।
तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।